एंड प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज पॉसिबल। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं दोस्तों मैक्सिमा मिनिमा के प्रोसीजर से, और अगर आप इसके बेसिक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, लिंक क्लिक करें और बेसिक्स समझें। तो लेट द नंबर्स बी, मान लीजिए कि नंबर्स क्या होंगे, एक्स एंड वाई। लेट द नंबर्स बी एक्स एंड वाई, मान लेते हैं नंबर्स हैं दो एक्स एंड वाई। एक्स और वाई दोनों क्या होंगे दोस्तों, एक्स और वाई दोनों होंगे पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव होंगे, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है एक्स एंड वाई बोथ शुड बी पॉजिटिव। अब मैक्सिमा मिनिमा में सबसे पहले आपको कंडीशन वन बनानी है, जो गिवन कंडीशन है। तो वी आर गिवन, क्या गिवन है हमको, कि देयर सम इज 24, तो इनका सम 24 है, तो ये कंडीशन गिवन है। इसे नंबर दे देते हैं वन, दिस इज अ गिवन कंडीशन, ये कंडीशन गिवन कंडीशन। अब हमें जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है, तो मैक्सिमाइज किसे करना है हमें, तो वहाँ लिखा रहता है कि मैक्सिमम मिनिमम एज लार्जेस्ट एज स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट। तो यहाँ देखिए प्रोडक्ट इज एज लार्जेस्ट, कौन सी चीज़ है, प्रोडक्ट इज एज लार्जेस्ट, मतलब प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज करना है। प्रोडक्ट जब इसका मैक्सिमम होगा तो एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी, फिर से प्रोडक्ट जब इनका प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा तो एक्स और वाई की वैल्यूज क्या होगी। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 24 है, दो पार्ट में एक्स और वाई स्प्लिट किया हुआ है। एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी जब इसका प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा, तो ध्यान से देखिए ये कंडीशन हमें गिवन है, और हम मान लेते हैं कि प्रोडक्ट इनका जो है वो पी है। लेट पी बी द प्रोडक्ट, मान लिया कि पी प्रोडक्ट को डिनोट करता है। पी इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स इंटू वाई। अब इट कंटेन्स टू वेरिएबल्स, इसमें दो वेरिएबल हैं, और मैक्सिमा मिनिमा के प्रोसीजर से इसे डिफ्रेंशिएट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू वन वेरिएबल, एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। तो किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये तो दो वेरिएबल है, तो एक वेरिएबल शुड बी एलिमिनेटेड विद द हेल्प ऑफ वन। इसकी हेल्प से एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देते हैं, तो ये वैल्यू लग दी 24 माइनस एक्स, कहाँ से लिख दी मैंने, फ्रॉम वन। अब वन से जब इसको एलिमिनेट कर दिया, अगर मल्टीप्लिकेशन बहुत आसान है तो फिर तुरंत से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा आपका 24x माइनस एक्स स्क्वायर पी। अब हमारा जो प्रोसीजर है मैक्सिमा मिनिमा का वो स्टार्ट करेंगे। तो हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं एक्स और वाई की वो वैल्यूज जिसके लिए प्रोडक्ट क्या हो, मैक्सिमम हो। तो टू मैक्सिमाइज पी वी शैल डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएट पी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, तो ये आ जाएगा डी पी बाय डी एक्स। डी पी बाय डी एक्स क्या होगा, 24 माइनस 2x। अब हमें वो क्रिटिकल पॉइंट पता लगाना है, वो एक्स की वैल्यू पता लगाना है जिसमें ये डी पी बाई डी एक्स जीरो होता है। तो डी पी बाई डी एक्स को हम जब जीरो से इक्वेट करेंगे तो हमें क्रिटिकल वैल्यू पता लगेगी। किसकी क्रिटिकल वैल्यू पता लगेगी दोस्तों, एक्स की क्रिटिकल वैल्यू पता लगेगी, फंक्शन की एक्स की वैल्यू पता लगेगी, और वो क्रिटिकल वैल्यू पता लगेगी जिस पे फंक्शन मतलब प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा। तो टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट उसे क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। तो टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट वी शैल इक्वेट डी पी बाई डी एक्स विद जीरो। तो डी पी बाई डी एक्स को अगर जीरो से इक्वेट करेंगे तो डी पी बाई डी एक्स है 24 माइनस 2x इज इक्वल टू जीरो, विच इन एक्स इज इक्वल टू 12। अब अगर x की वैल्यू 12 है तो y की वैल्यू नेचुरली 12 होगी, क्यों, क्योंकि बाय वन फ्रॉम वन x प्लस वाई कितना है,
24 है, तो फ्रॉम वन, फ्रॉम वन एक्स प्लस वाई इज 24, तो x प्लस वाई 24 है, तो इसलिए x की वैल्यू 12 हो गई, और इस देयरफोर x की वैल्यू 12 होने के कारण y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 12, तो y विल बी व्हाट, y विल बी 12, तो आपके पास x का भी वैल्यू आ गया और आपके पास y का भी वैल्यू आ गया, पर जरूरी नहीं है कि इस x की वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू p का प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट वो मैक्सिमम एकदम सबसे ज़्यादा हो उस पॉइंट पे, तो उसके लिए हमें इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी निकालना होगा। तो व्हाट इज डी टू पी बाय, तो टू वेरीफाई, आखिरी की चीज़ है ये, एंड इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू वेरीफाई p is maximum at x is equal to 12, डी टू पी बाई डी एक्स स्क्वायर, सेकेंड टाइम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, किसको डिफरेंशिएट करेंगे, डी डी एक्स ऑफ जो डी पी बाई डी एक्स है, डी पी बाई डी एक्स क्या है आपके पास, आप देखिए डी पी बाई डी एक्स है आपके पास डी डी एक्स ऑफ डी पी बाई डी एक्स 24 माइनस 2x। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर दें, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी माइनस 2, इसमें x की जगह क्या सब्सटीट्यूट करें, 12, एट x इज इक्वल टू 12, अगर आप इसमें x की जगह 12 सब्सटीट्यूट कर रहे हैं तो आप कहेंगे कि इसमें तो x है ही नहीं, क्यों, क्योंकि इसका डेरिवेटिव तो माइनस 2 है, तो नो इशू, आप इसमें x की जगह 12 सब्सटीट्यूट करें, और अगर ये कॉन्स्टेंट है तो उसकी वैल्यू वही आएगी, क्या आएगी, माइनस 2, इट विल रिमेन एज इट इज, पर आपने सब्सटीट्यूट कर दिया, नाउ इट कैन बी अज्यूम्ड, अब ऐसा माना जा सकता है कि यू हैव बीन सब्सटीट्यूटेड द वैल्यू, क्योंकि कॉन्स्टेंट फंक्शन है, तो कॉन्स्टेंट फंक्शन है, मान लीजिए आपके पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 लिखा हुआ है, और आप यहाँ पे एक्स की जगह कोई वैल्यू डाल देंगे, 4 डाल देंगे, 5 डाल देंगे, तो आउटकम विल बी व्हाट, आउटकम आपका वही रहेगा, आउटकम में नो चेंज विल बी एट ऑल, विल बी देयर, तो नो चेंज एट ऑल, क्यों चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि इट इज़ अ कॉन्स्टेंट फंक्शन, तो इसी तरीके से इसका वैल्यू कॉन्स्टेंट आ गया, तो अगर आप x की जगह 12 डालो, 13 डालो, इट डज नॉट मैटर, पर आप x की जगह आप मन से नहीं डाल सकते, वही वैल्यू डालेंगे जो आया है आपके पास, एंड सिंस इट हैज़ कम नेगेटिव एंड यू मस्ट बी नोइंग, आपको मालूम होगा कि अगर सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव है तो उल्टा सोचिए आप, सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव है, इट इंडिकेट्स व्हाट, इट इंडिकेट्स फंक्शन इज मींस पी इज मैक्सिमम, क्योंकि इसका सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव है, और पॉजिटिव आता तो मिनिमम होता, और अगर इक्वल टू 0 आता तो नथिंग कैन बी सेड, तब हम कुछ भी नहीं कह सकते थे, फिर वी नीड मोर इन्फॉर्मेशन, तो अभी देखिए आपका डी टू पी बाई डी एक्स स्क्वायर इज नेगेटिव, देयरफोर वी कैन से पी इज मैक्सिमम, पी इज मैक्सिमम व्हेन एक्स इज इक्वल टू 12 एंड वाई इक्वल टू 12, क्योंकि एक्स के बेसिस पे हमने वाई भी निकाल लिया था और हमें दोनों नंबर्स निकालना थे। तो दोस्तों ये था क्वेश्चन नंबर 12, मैं आपका दोस्त डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी, होप यू हैव लाइक्ड दिस वीडियो, दिस सॉल्यूशन ऑफ द गिवन क्वेश्चन, और अगर आपको समझ आया है तो आप चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और इसी तरीके से कारवां आगे बढ़ाएं, आप पढ़ें, देश आगे बढ़ेगा। विश यू ऑल द बेस्ट।